तो की हालचाल भाई लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज ये है फिफ्थ वीडियो, फिफ्थ डे ऑफ आवर 30 डेज क्रिएटर रिएक्शन वीडियो सीरीज का। एंड आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं सौरभ जोशी के ऊपर। सो वो है इंडिया के नंबर वन ब्लॉगर, एंड उनके ऊपर आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उनके लास्ट वीडियो के ऊपर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स गो, चलते हैं उनको मैं ले जा रहा हूँ स्टेडियम की तरफ। अभी तक कोई आइडिया नहीं किसी को कि हम स्टेडियम जा रहे हैं मैच देखने। वॉइस ओवर कर रहा है, चलो देखो उससे आगे। चलो भाई चलो, वॉइस ओवर होटल के नाम पे कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं स्टेडियम मैच देखने। स्टेडियम स्टेडियम आ गए हम, स्टेडियम मैच देखने। अरे मैच देखने आ गए सच में? सच में हाँ, जहाँ लास्ट टाइम गया था मैं। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? ओवर रिएक्ट। आ जाओ सभी आ गए हो ना, काय मम्मी लोग का। चलो चलो एक दो ब्लॉग में लो, ब्लॉग में। यस हेलो, चलो जा। अभी आएगा? आ जाओ ब्लॉग का भी आएगा, ब्लॉग कल आ जाओ। मम्मी पता क्या रिएक्शन चल रहा है? हम मैच देखने जा रहे हैं। सही में? देखने जा रहे हैं। ये लो आपकी टिकट, ये लो आपकी टिकट, ये लो आपकी टिकट, ये तो समीर आ गए, ये लो आपकी टिकट, कुनाली लो आपकी टिकट। पकड़ो यार, अरे सरप्राइज दे दिया यार, मजा आ गया। टिकट पकड़ो ना अपनी अपनी। ए भाई, अरे गाड़ी बाहर सर, उतना दूर है आपको रिटर्न आना पड़ेगा। गाड़ी तो बाहर, पहली बार जिंदगी में इतना सरप्राइज हुआ पता है मैं। वाह अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये कोई नॉर्मल टिकट नहीं है, ये प्रेसिडेंट बॉक्स। यार एक बात बता, हमें तो कभी, अरे मैं सदमे में हूँ भाई, सरप्राइज बाहर, इतनी भीड़ हो रही, भीड़ हो रही। सुनो प्रेसिडेंट बॉक्स पता है कौन सा? जहाँ सारे लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग, जहाँ सारे बड़े बड़े लोग होते हैं, नेता। थैंक यू, थैंक यू। अब वहाँ कोई भी मिल सकता है? थैंक यू, मेरे को पता ही नहीं है, पता ही नहीं था। अब वहाँ कुछ कोई भी मिल सकता है, वहाँ कोई भी, अभी किस्मत है कोई भी मिल सकता है। चलो सचिन तेंदुलकर सर भी मिल सकते हैं, वो तो है ही, वो तो रहेंगे। मुंबई इंडियन का मैच है क्या आज? है मुंबई इंडियंस का। सपोर्ट करो, किसको सपोर्ट कर रहे हो? मुंबई इंडियंस, नहीं मुंबई को भाई। मेरी तो स्टार्टिंग से जिंदगी बन गई यार हमारी, तो लाइफ बन गई भाई, मजा आ गया। लाइफ बन गई क्या हो मम्मी? मतलब हार्डकोर फैन है क्या? क्या ओवर रिएक्ट है? ओवर रिएक्शन पापा का भी चेक नहीं किया कुनाली को। भाई बेटा वही सोचो देखना भाई, नेक्स्ट लेवल स्टेडियम है। मैं पता है गाड़ी में बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि हम होटल जा रहे हैं। मेरे को यहाँ आने तक मेरे को पता लगा मेरे को होटल जा रहे हैं, पर यहाँ आने तक भाई सीधा हाथ में जब टिकट आई तब समझ आया। बहुत प्यारा स्टेडियम है, बहुत ही प्यारा स्टेडियम है। अरे भाई इतने लोग आए ना पीछे से, एक्साइटेड हो आंटी जी? सरप्राइज कैसा लगा? बहुत तगड़ा यार, बहुत तगड़ा यार। नाइस 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 नाइस, थैंक यू। प्रणाली आ जाओ। हमारे सौरभ भाई ने ही प्लान किया यार। हाँ नीचे करके बैठो, कोई है तो नहीं? कोई नहीं, कोई नहीं बैठो, कोई है तो नहीं भगवान, कैसे कोई होगा आंटी? माय गॉड कैसा लग रहा है? देखने का मजा तो अलग है, बट यार मजा आ गया भाई, सही में है तो ना, शौक हो गया एकदम। मैच स्टार्ट हो चुका है और चार विकेट भी हो गए भाई मुंबई के। भाई क्या हो गया तेरे को? कैसे तो हैंग हो गया?
क्या हो गया तेरे को? एक तो हमारे को गोवा जाके दिया था सरप्राइज, और आज तो पता भी नहीं था यार कुछ भी नहीं। पापा जी का बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया आज। गाइस यहाँ पे सीट पे देखो खाने के लिए भी है क्या यार, बहुत कुछ है। हाँ यार, हाँ यार, कैसे इतने बोले पापा किसके होते हैं? तीन चीजें यहाँ पे खाने के लिए। पापा मुंबई इंडियंस की तरफ से है, कैसा लग रहा है देखकर? सबसे आउट हो गए गाइस, कैच ले लिया। क्या लगता है मुंबई जीतेगी? चांसेस कम है ना, क्योंकि 80 रन ही हो गए अभी तक। हमारे आने से पहले ही 4 आउट हो चुके थे। रुको रुको, अरे क्या हुआ? अभी 80 रन ही हो गए अभी। आंटी इज ऑल्सो बी लाइक, मुझे क्या पता, मैं तो देखती भी नहीं थी तुमने उठा के ले आई। हमारे आने से पहले ही 4 आउट हो चुके थे। अभी तो पहली बैटिंग है, कितने रन बनाने? कुछ भी बना ले, कितने रन बनाने? पहले तो ये बनाएंगे ना, पहले तो मुंबई वाले बना रहे ना, उसके बाद राजस्थान वाले कम्पीट करेंगे। गाइस अब लास्ट ओवर रह गया, लास्ट ओवर, ठीक है, लास्ट ओवर भी और लास्ट विकेट भी है भाई। लास्ट बॉल रह गई, लास्ट बॉल रह गई, लास्ट बॉल में क्या होगा? चलो गेस करते हैं, गेस करो लास्ट बॉल में क्या होगा। मैं बताऊं क्या होगा? डबल होगा। मेरे को लगा लास्ट बॉल में छक्का, डबल होगा लास्ट बॉल में, छक्का नहीं चौका तो होना चाहिए। दो रन, डबल्स पापा और मेरा सेम, सिक्स मैं सिक्स। लास्ट बॉल में क्या होगा? मैं पिच नहीं गया सर, है बैट पर स्ट्राइक पे वो भी होगी लास्ट बॉल। ओहो मम्मी आई क्या लगता है? 2 मिनट गाइस, हां 2 रन एंड 2 रन। तो इसी के साथ पहली पारी समाप्त हुई, टारगेट मिला है 126 का, हमारे लिए आ गया। कैसा लगा पहली पारी देख के? मजा आया भाई, मजा आया ना, अनएक्सपेक्टेड। अब देखते हैं भाई, रात के 2 बजे खा लेते हैं, रात के 2 नहीं सॉरी रात के 12:30 बजे। यस चीयर्स गाइस, चीयर्स। रात के 12:30 बजे मम्मी आई थी देने। लेट्स गो, देखते हैं फाइव स्टार हो जाएगी। दाल चावल बेस्ट, याद है लास्ट टाइम मिले थे? हाँ। हो गया आपका? हो गया? अरे कमर है, सब ठीक है। मम्मी कमर में दर्द हो गई। मुंबई इंडियंस वाली आइसक्रीम MI मैंगो है, मैंगो ये वाली आइसक्रीम बहुत टेस्टी, बहुत ही ज्यादा। खाना पीना हो चुका है, अब चलते हैं। मैच स्टार्ट हो चुका है और एक आउट भी हो चुका है राजस्थान का। गाइज मेरे को जो फीलिंग आ रही है ना अभी, स्पेशली पापा जी को देख के भाई, पापा जी को इतना मजा आ रहा है देखने में। जो मजा यहाँ देख के आता है ना, वाकई में जो मजा आता है, मुझे तो आपको देख के आ रहा है मजा, बस वो मजा यहाँ देख के आता है, वो आता ही नहीं है भाई। लाल तो होना ही है। ये तो खाना नहीं खाना, ये सब कचरा खाना है। खा तो लिया खाना, वही तो खाना है। खा गया था मैं। वन मोर विकेट, 65 रन 71 बॉल। क्या कर रहे हो? इजी करेगा भाई। हाय कमर में बहुत ज्यादा दर्द, बिकॉज सुबह से मम्मी बैठी है ना, 5 घंटे गाड़ी में बैठी, फिर एयरपोर्ट में बैठी, फिर फ्लाइट में बैठी, फिर गाड़ी में बैठ गई यहाँ पे। अब भी आंटी को बहुत प्रॉब्लम है यार, बैठी हुई है सबके घर में। इतना ना काम कर लेती है हमारी मम्मी, सबके घर में हुई प्रॉब्लम है। इतना ना काम कर लेती है ना हमारी मम्मी, सब देखती नहीं है अपनी सेहत को, क्या करे, सबके घर का वही आदत है यार। हमें कमर में बहुत दर्द हो रही है, तो हम सोचे कि चलते हैं यहाँ से, 6 ओवर बाकी हैं, बाकी हम फोन में देख लेंगे। अच्छा डिसीजन है ये अच्छा डिसीजन था, फोन तो देखते रहेंगे आंटी का कमर क्या हो गया, क्योंकि मम्मी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और क्या करें, चले अपन, चले, मम्मी को दिक्कत हो रही है, मम्मी जी को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इसलिए जा रहे हैं। और भाई टाइम देखो 11 बजने वाले, रात के 11 बजे नहीं, सुबह 6 बजे निकले थे ना हम, कल देख लेंगे। ये देखो मुंबई इंडियंस की बस स्टेडियम से बाहर आ गए, ओह माय गॉड, जा रहे कार की तरफ। बाय 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 बाय। वाओ फीलिंग्स ही अलग है भाई, तुम किसी और को देखने आए हो, उस जगह पे तुम्हें देखने के लिए और लोग इकट्ठा हो जाए भाई, मतलब फील ही अलग आता है अंदर से फीलिंग दूसरा ही आता है यार। कभी आएगा हमारा भी टाइम, लेट्स गो। चलो भाई होटल पहुंच गए, 12 बजने वाले, बहुत लेट हो गए। चलो ऐसे मत करो, चलो पीयूष कुनाली को ही सताते रहते हो यार। चल। यही तो है प्यार है भाई बहन का। कैसा लगा होटल? मजा आता है वैसे में। ताज है इसका नाम, ताज। भैया जी 7-star होटल लेके आए हो, ताज, पैसे की कमी थोड़ी है। नाइस, अच्छी बात है, फैमिली को लेके होटल आए, अच्छी वाली, अच्छी बात। अच्छा
होटल रूम कुलाली चल सभी लाइक क्या करूं क्या ना करूं पहुंच चुके हैं सभी के सभी जाके डो के लिए ठीक चुके हैं बिकॉज़ टाइम देखो भाई रात के 12 बज चुके हैं सुबह के 4 बजे उठे थे 6 बजे निकले और सुबह से फुल घूम रहे हैं हम तो कैसा लगा ये बताओ कैसा लगा आपको मैच देख के बढ़िया मजा सरप्राइज लगा टाइम दिखाना चाह रहा था रात के 1 बजे वाले शौक लगा मस्त भाई ऐसा सरप्राइज देगा करके किसी को पता ही नहीं था यार फिर वही सरप्राइज पता ही नहीं लगता है जा कहां है सरप्राइज नहीं ये तो शौक था शौक मैं क्या कहना चाहूं कुनाली क्या कहना चाहोगे कुछ नहीं पानी का कहां हुए ये पहला सरप्राइज है जो मेरे को नहीं पता था वरना सारे सरप्राइज मेरे को पता गोवा गोवा था तेरे को गोवा तो मैं था ही नहीं मुंबई बोल के गोवा ले गए थे अच्छी बात देखा वो भी देखा स्टेडियम जाना वो भी आईपीएल के वो भी कहाँ पे बैठे थे हम वीआईपी पे प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बॉक्स में ऐसे पापा तो सबको मिलने चाहिए मतलब हमारे पापा भी अच्छे है बट इतना मतलब दिमाग को इतना शांत रखते हैं इतने अच्छे से बात करते मतलब पापा तो है ना थोड़ा स्ट्रिक होते हैं सबके मेरे ही नहीं सबके मेरे भी है सबके पापा स्ट्रिक होते हैं बट ये पापा मतलब सुनते हैं ना कुछ अलग है कुछ हटके है बहुत अच्छी बात है ऐसे ही चिल होना चाहिए अच्छी बात है नहीं तो चलो देखते हैं जब हम कमाने लगेंगे तब क्या पता हमारे पापा भी एकदम कोमल हो जाए फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ कल हमारा शूट है वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा पसंद है तो लाइक कर देना ठीक है भैया जी मैं कर देगा लाइक एंड आप भी बोल दीजिए अपने हमारे आपके व्यूअर्स मैं बोल रहा हूँ सब लोग लाइक से सब्सक्राइब कर दो इसके चैनल को भी आपको मैं बता रहा हूँ अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक करना अगर आप सौरभ जोशी के व्यूअर्स हो सौरभ के गैंग हो सौरभ की जनता हो बच्चे वाली जनता तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो हम ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं एंड अगर वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करना एंड एक अच्छा सा मीठा सा कमेंट छोड़ देना जब मैं पढ़ के खुश हो सकूँ थोड़ा सा एंड मिलते हैं कल विद अ ब्रांड न्यू वीडियो तब तक के लिए बाय एंड पीस आउट ਹੁਣ ਕੱਟ ਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਰਾਂਝਾ ਚੱਲਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬਸ ਮੰਗੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਫੋਰਐਵਰ ਜਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਟਿੱਡਾ ਅੱਠ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਨੀ ਨਸ਼ੇ ਬਸ ਲੱਗੀ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਮੱਤ ਮੇਰਾ ਖਾਇਆ ਕਰ ਸਰ ਜਦੋਂ ਹੋਆ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਰੱਖਾ ਕਰ ਜਦੋਂ ਹੋਆ